सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल के हमारे सुधी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य है। अब शरीर की रक्षा करने के लिए इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है कि शरीर को रोगों से सुरक्षित रखा जाए और दीर्घ जीवन जिया जाए। कुछ एक ऐसी बातें भी हैं जो कि शरीर के कुछ ही भागों के लिए स्वस्थ रखने के लिए होती हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे आपके शरीर में बाल हैं जिसे आप केश कहते हैं, हेयर कहते हैं, है ना? हर पुरुष या महिला के सिर पर बाल यह सुंदरता का प्रतीक होते हैं। शरीर में भी बाल होते हैं, लेकिन उनको रोएं कहा जाता है, और उन रोओं का आवश्यकता से अधिक बढ़ना वो ठीक नहीं माना जाता। लेकिन सिर के बालों का बढ़ना, उनका काला रहना, उनका घना रहना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे जैसे बाल सफेद होते जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है। हालांकि यह कोई आवश्यक नहीं है कि बूढ़े ही व्यक्ति के बाल सफेद हों, आजकल तो बच्चों के भी बाल सफेद होने लग गए हैं। 5-6 साल का बच्चा भी, उसके भी बाल सफेद हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि बाल बुढ़ापे में ही सफेद होते हैं। अब जैसे जवान व्यक्ति है, उसके दाढ़ी मूछें निकल आती हैं, तो दाढ़ी मूछों के बाल भी काले ही अच्छे लगते हैं। भले ही चेहरा गोरा अच्छा लगता हो एक तरह से, हालांकि ये भी पूरा सत्य नहीं है, सांवले लोग भी सुंदर होते हैं, छवि अच्छी होती किसी की, लेकिन शरीर पर अगर बाल सफेद हो जाए तो उनको अच्छा नहीं माना जाता। इसी प्रकार से रूखे बाल, फटे बाल और जो बालों में सुंदरता ना हो, वो हो शरीर का, चेहरे का पूरा लुक ही बिगाड़ देते हैं। इसी पर आज बात करेंगे। तो आपने देखा होगा किसी किसी के बाल तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बालों को अच्छे लगने के लिए उनका नम रहना आवश्यक है, उनका चिकना होना आवश्यक है, उनका काला होना आवश्यक है। तो अब इसके लिए क्या है कि बालों को पुष्ट रखने के लिए, बालों के विकास के लिए, बालों को पुष्ट रखने के लिए विटामिन ई का विशेष महत्व होता है और विटामिन ए का भी महत्व होता है। आजकल तो विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं जो महिलाएं बालों में लगाती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके बाल यदि सुंदर रहें उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आजकल जो मार्केट में शैम्पू आ रहे हैं, ठीक है, वो भी सुविधा की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं और उनके लगाने में कोई ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बावजूद यदि आप बालों को मुल्तानी मिट्टी से भी साफ करते हैं, जो कि सस्ती मिल जाती है, मुल्तानी मिट्टी को पानी में डाल करके
उसमें आप दही भी डाल दें अगर थोड़ा सा, तो उचित रहता है। और उससे आप स्नान भी करें, उससे आप बालों को भी धोएं। आप ये कहेंगे कि क्या बताने लगे, हम लोग तो मॉडर्न योग हैं, मॉडर्न लोग हैं और ये सब वैसी बातें हैं। तो मैं आपके बता दूं, आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उसका लाभ ही कुछ और है। एक बार आप मुल्तानी मिट्टी से रगड़ के नहा के तो देखिए, इसके बाद की त्वचा की ताजगी को आप देखिए, त्वचा की सुंदरता को, ताजगी को देखिए। मुल्तानी मिट्टी से आप बाल धोएंगे, उसके बाद में आपको जो उसकी मुलायम बाल मिलेंगे, जो उसकी चमक मिलेगी, आपको लगेगा कि ये चमक कभी आपके बालों में थी ही नहीं। एक अच्छा महसूस करेंगे आप। हाँ, थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है कि देखिए क्या मिट्टी लगा के नहाना है और ऐसा कुछ। इसी मिट्टी से अगर शरीर को रगड़ करके धो डालते हैं, तो त्वचा की जो टोनिंग, त्वचा की जो चिकनाई जो आपको मिलेगी, और आप देखेंगे कि इसके बाद शायद आपको अगर तेल नहीं भी लगाते हैं त्वचा पर, शरीर पर तेल की मालिश नहीं भी करते हैं, तो भी त्वचा आपकी रूखी नहीं होगी। तो ये प्राकृतिक उपाय हैं। ये साबुन वगैरह अब बनने लगे हैं, कुछ दशकों से डिटर्जेंट आया है, उसके पहले साबुन हुआ करता था। ये सब अभी बनने लगे हैं। एक समय था जब ये सब कुछ नहीं होता था, तब भी लोग कैसे नहाते थे? उस समय लोग मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे, रीठे से बाल धो लिया करते थे, यहाँ तक कि ऊन के कपड़े भी रीठे से धो लिया करते थे। खैर, अब विटामिन ई के कैप्सूल से भी आप बालों में लगा सकते हैं, लेकिन अगर विटामिन ई का प्रयोग आप खाने की दवाओं में करेंगे, खाने योग्य विटामिन ई का कैप्सूल बाजार में मिलता है, मार्केट में, मेडिकल स्टोरों पर, वो प्राप्त करें। कुछ ऐसे कैप्सूल आते हैं जिनमें विटामिन ए और ई का दोनों का मिश्रण होता है, तो वो कैप्सूल तो चूंकि उसका खोल तो जिलेटिन का होता है, तो मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। और वो दवा अगर टेबलेट फॉर्म में मिल जाए आपको, बहुत ही अच्छी रहेगी। और ना मिले, हमारे यहाँ तो मिल जाती है, और मैं वो टेबलेट आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें विटामिन ए है। ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये विटामिन ए की शुद्ध टेबलेट है, और 50,000 IU की टेबलेट है, और ये चबाने योग्य है, च्युएबल है। और ये क्या है, इसमें लिखा है कंपनी का नाम इस समय नहीं समझ में आ रहा है, एबोट, हाँ एबोट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाया है, विटामिन ए की टेबलेट को। तो टेबलेट के रूप में खाने में ज्यादा उचित रहता है। एक और चीज है कि इसका एक ड्रॉप भी आता है, वह ड्रॉप ज्यादातर आपको मिलेगा जच्चा बच्चा अस्पताल में, जो बच्चों को वो ड्रॉप दिया जाता है, हालांकि वो सरकारी दवा आती है और द्रव रूप में कहीं और नहीं मिलता, वहां पर ही उपलब्ध होता है, पर वो आपको शायद मिले या ना मिले उसकी बात मैं नहीं कहता। वो आंखों की रोशनी के लिए होता है, बच्चों के लिए, बड़े लोग भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो विटामिन ए का तो मैंने दिखा दिया, विटामिन ई का भी इसी प्रकार से दवा मिल सकती है आपको। और उससे भी अच्छा है कि अगर इन चीजों को प्राकृतिक रूप से आप अगर गूगल करें,
आप मोबाइल देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो ये निश्चित बात है कि गूगल तो आपके मोबाइल में होगा ही। तो गूगल पर सर्च कर लें कि विटामिन ई किन भोजन में पाया जाता है, विटामिन ए किन भोजन में पाया जाता है, जैसे गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पालक में भी उसमें पाया जाता है, और बाकी चीज़ों का मैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शाकाहारी की श्रेणी में नहीं आती तो उनका मैं नाम नहीं लूँगा, पर हरी सब्जियाँ वगैरह में पाया जाता है। तो विटामिन ए को ऐसे ले या फिर टेबलेट के फॉर्म में ले लें। विटामिन ई के भी स्रोतों के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इससे आपके भीतर से, देखिए ऊपर से लगाने की बात अलग है, लेकिन जो भीतर से आप करेंगे, लगाएंगे उसको, उसकी बात और होगी। इसके बाद बालों के लिए आप बादाम का तेल बाल में लगा सकते हैं, शुद्ध बादाम का तेल हो उसको बालों में लगा सकते हैं। आंवले के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि वो तेल आप घर पर कैसे बनाएं। अब रही बात बाल काले, तो भृंगराज एक जड़ी बूटी होती है, पौधा होता है, जिसको भांगरा कहते हैं, घमरा भी कहते हैं। तो ये, इसको उखाड़ लाएं या काट लाएं, छाया में सुखा लें, और फिर सरसों के तेल में या नारियल के तेल में या तिल के तेल में, जैसे भी आप उचित समझें, उसको इतना गर्म करें कि वो जल करके उसी में राख हो जाए। ऐसा आप करीब, अगर आधा लीटर तेल है तो उसमें 100 ग्राम कम से कम आप ये भृंगराज को डालें, जिससे कि कंसंट्रेटेड उसमें उसका सब जितना भी तत्व है उसमें मिल जाए, उसको जला दें। तो ये भृंगराज से भावित तेल हो गया आपका। इस तेल को अगर आप लगाएंगे तो बाल आपके काले रहेंगे, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। बालों के संबंध में और भी बातचीत करने के लिए यदि आपको अच्छा लगता है तो और एक वीडियो बना देंगे उसकी डिमांड पर आपके। अब एक और कारण होता है कि जैसे आपको हमेशा नजला जुखाम रहता है, नाक चलती रहती है, कफाता रहता है, तो ये भी आपको बालों को जल्दी सफ़ेद कर देगा, एलोपेसिया पैदा कर देगा, बाल उड़ भी सकते हैं और बाल सफ़ेद भी हो सकते हैं। इसको रोकने के लिए शरीर का ध्यान रखें कि ज़्यादा आपको सर्दी जुकाम ना होने पावे, उसका प्रिवेंशन करें पहले। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर पहले से ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा दिन तक जुकाम आपके शरीर में ना टिके, जुकाम ना हो, ये नज़ला ना हो, तो आप उस अनुसार से अपने जीवन को ढालें, तो अगर बाल आपके सुंदर, स्वस्थ, मजबूत, काले रहेंगे। और एक और समस्या होती है कि जब बाल कुछ बढ़ जाते हैं तो किसी किसी के बाल, वो आगे से जब बाल आगे बढ़ जाते हैं तो वो फट जाते हैं, बीच से दो मुहे हो जाते हैं, एक बाल का फटना, फिर वो बाल अगर फटा तो ये माना जाता है उसके बाद बाल बढ़ना चालू नहीं, तो वो बंद कर देता है। बाल बढ़ते रहें इसके लिए समय पाल पर बाल आप कटवाते रहें। जिस दिन बाल आपके फट गए फिर बढ़ना बंद हो जाएंगे, तो जितने फटे हैं उसमें से इतने और मिला के, यानी कि बालों को कटवाते रहें समय समय पर, ऐसे आपके बाल बने रहेंगे। और भी रोचक जानकारी के लिए, बालों से और किसी संबंध से आप जानकारी के लिए जो हमें कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको कम खर्च में अत्यधिक स्वास्थ्य के नियम, स्वास्थ्य के जो बारे में बताना है और स्वस्थ करना, ये काम है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप
इससे लाभ उठाएंगे। इसी के साथ जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।